Hello students, so welcome back. So now we are going to discuss about the chemiosmotic hypothesis. What is basically the chemiosmotic hypothesis and how does it work? What does it do? Chemiosmotic hypothesis, it explains the mechanism of ATP synthesis in the chloroplast. मतलब क्लोरोप्लास्ट के अंदर एटीपी कैसे सिंथेसाइज होती है ये केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस के थ्रू पता चलता है। तो केमियोस्मोसिस होता क्या है? केमियोस्मोसिस इज द मूवमेंट ऑफ आयंस अक्रॉस अ सेमी परमीएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमीएबल मेम्ब्रेन के थ्रू किसी भी आयंस का मूव होना दैट इज नोन एज केमियोस्मोसिस। इट अकर्स इन द क्लोरोप्लास्ट एंड द माइटोकॉन्ड्रिया बोथ। क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी केमियोस्मोसिस होता है एंड माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी केमियोस्मोसिस होता है। केमियोस्मोसिस नीड्स अ मेम्ब्रेन, अ प्रोटॉन पंप, अ प्रोटॉन ग्रेडियंट अक्रॉस द थैलाकोइड मेम्ब्रेन एंड अ एटीपी सिंथेसिस। एटीपी सिंथेसिस होना बहुत ज्यादा जरूरी है अगर एटीपी की फॉर्मेशन करनी है। प्रोटॉन पंप का होना बहुत ज्यादा जरूरी है जो प्रोटॉन को पुल कर सकता है, बेसिकली ब्रिज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड प्रोटॉन ग्रेडियंट, प्रोटॉन ग्रेडियंट मतलब द डिफरेंस बिटवीन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द प्रोटॉन्स, दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। Splitting of water takes place on the inner side of the membrane, so the protons are accumulated in the lumen of the thylakoids. अब देखो हमें पता है कि splitting of water कहाँ पे हो रही है? Thylakoids के अंदर। तो thylakoids के अंदर जो protons का amount है वो क्या है? ज़्यादा है। ठीक है, so एक type से proton gradient यहाँ पे maintain हो रहा है। Now, as the electrons move through the photosystems, protons are transported across the membrane. अब इलेक्ट्रॉन्स जैसे ही फोटोसिस्टम को मूव करते हैं तो मेम्ब्रेन के थ्रू प्रोटॉन्स साइमल्टेनियसली मूव कर रहे हैं। दिस इज ड्यू टू द रिमूवल ऑफ प्रोटॉन्स फ्रॉम द स्ट्रोमा फॉर द फॉलोइंग रीजंस। द प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इज लोकेटेड टुवर्ड्स द आउटर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन एंड ट्रांसफर द इलेक्ट्रॉन टू अ एच कैरियर। सो दिस मॉलिक्यूल्स रिमूव अ प्रोटॉन फ्रॉम द स्ट्रोमा व्हाइल ट्रांसपोर्टिंग एन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कहाँ पे ट्रांसपोर्ट हो रहा है स्टूडेंट्स? आउटसाइड द थैलाकोइड। तो स्टोमा से अंदर की तरफ क्या आ रहा है? एक प्रोटॉन आ रहा है। व्हेन दिस मॉलिक्यूल पासेस ऑन इट्स इलेक्ट्रॉन टू द इलेक्ट्रॉन कैरियर ऑन द इनर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन, अ प्रोटॉन इज रिलीज्ड इन द ल्यूमेन ऑफ द मेम्ब्रेन। तो जैसे ही एक जो इलेक्ट्रॉन है वो बाहर निकल रहा है मेम्ब्रेन से, तो वैसे ही एक प्रोटॉन जो है वो एंटर कर रहा है इन साइड द मेम्ब्रेन। As the electron move through the photosystems, protons are transported across the membrane. So this is the concept कि electrons जैसे ही photosystem के through move कर रहे हैं, protons भी क्या हो रहे हैं? Membrane के through transport हो रहे हैं। It is due to the removal of protons from the stroma for the following reason. अब ये क्यों हो रहा है? Because of the NADP reductase enzyme is located on the stroma side of the membrane. Along with the electrons coming from the PS1, protons are necessary to reduce NADP+. क्योंकि हमें पता है NADP+ को रिड्यूस करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स की तो जरूरत होती ही होती है, लेकिन प्रोटॉन्स की भी जरूरत होती है। NADP रिडक्टेज एंजाइम स्ट्रोमा की तरफ लोकेटेड है एंड प्रोटॉन्स की भी हमें जरूरत पड़ती है। सो इसलिए प्रोटॉन्स भी जो है वो स्ट्रोमा के साथ साथ रिमूव हो रहे हैं। एंड कहाँ पे एक्यूमुलेशन हो रहा है प्रोटॉन्स का? इनसाइड द थैलाकोइड मेम्ब्रेन। सो व्हाट वी हैव टू डू इन द केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस इज कि प्रोटॉन्स मूव हो रहे हैं, प्रोटॉन्स जो है स्ट्रोमा से रिमूव हो रहे हैं अलोंग विद द इलेक्ट्रॉन्स एंड एक्यूमुलेट कहाँ पे हो रहे हैं? अलोंग द थैलाकोइड मेम्ब्रेन। सो इससे हमारा क्या है? प्रोटॉन ग्रेडियंट बन रहा है। प्रोटॉन ग्रेडियंट क्यों बन रहा है, किस किस रीजन की वजह से प्रोटॉन्स जो है वो मूव हो रहे हैं, वो दो रीजन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। Hence, protons in the stroma are decreased, but in the lumen, protons are accumulated. Stroma के अंदर protons decrease हो गए, लेकिन lumen के अंदर protons उतने ही हैं. It creates a proton gradient across the thylakoid membrane and decrease in the pH in the lumen. तो lumen के अंदर क्या हो रहा है? pH का decrease हो रहा है. क्यों?
क्योंकि जितने ज्यादा प्रोटॉन्स होंगे उतना कम क्या होगा हमारा पीएच। तो पीएच ऑफ प्रोटॉन्स, पीएच कहाँ पे डिक्रीज हो रहा है, ल्यूमेन के अंदर। ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटॉन ग्रेडियंट लीड्स टू सिंथेसिस ऑफ एटीपी बाय एटीपी सिंथेटाइज एंजाइम। अब जैसे जैसे प्रोटॉन ग्रेडियंट क्या है, ब्रेक हो रहा है स्टोमा, मतलब कि अंदर की तरफ से बाहर की तरफ जब प्रोटॉन्स जा रहे हैं तो एटीपी क्या कर रही है, सिंथेसाइज, एटीपी सिंथेसाइज एंजाइम इज सिंथेसाइजिंग द एटीपी। नाउ स्टूडेंट्स, एटीपी सिंथेटेज के दो पार्ट्स होते हैं, ये हम रेस्पिरेशन वाले चैप्टर के अंदर भी पढ़ने वाले हैं एंड इस चैप्टर के अंदर भी। ये देखो स्टूडेंट्स, वी आर हैविंग दिस एटीपी सिंथेटेज एंजाइम, दिस इज अवर एटीपी सिंथेटेज एंजाइम। इसका ये फर्स्ट पार्ट है CF1 एंड सेकेंड पार्ट है CF0 जो आपको दिख रहा है। ये है मेम्ब्रेन, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपको दिख ही रही होगी शायद, ये वाली, दिस इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो CF0 जो मॉलिक्यूल है स्टूडेंट, CF0 मॉलिक्यूल इज लोकेटेड इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड CF1 जो मॉलिक्यूल है दैट इज लोकेटेड आउटसाइड द मेम्ब्रेन। CF0 इट इज एम्बेडेड इन द मेम्ब्रेन एंड फॉर्म्स अ ट्रांस मेम्ब्रेन चैनल। इट कैरीज आउट फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन ऑफ प्रोटॉन्स अक्रॉस द मेम्ब्रेन टू द स्टोमा एंड इट ऑल्सो रिजल्ट्स इन द ब्रेकडाउन ऑफ द प्रोटॉन ग्रेडियंट। CF0 is the enzyme that is helping as a proton pump. देखो हमने क्या बोला था, एटीपी की सिंथेसिस के लिए क्या क्या चीजें जरूरी होंगी, फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक प्रोटॉन ग्रेडियंट, देन द प्रोटॉन पंप, देन द एटीपी सिंथेटेज एंजाइम। अब यहाँ पे प्रोटॉन पंप की तरह कौन एक्ट कर रहा है, प्रोटॉन पंप की तरह एटीपी सिंथेटेज इटसेल्फ इज एक्टिंग। CF1 क्या कर रहा है, CF1 इट प्रोड्यूस्ड ऑन द आउटर सर्फेस ऑफ द थैलाकोइड मेम्ब्रेन द एनर्जी ड्यू टू ब्रेकडाउन ऑफ ग्रेडियंट्स कॉसेस अ कॉन्फॉर्मेशनल चेंज इन द CF1 पार्टिकल एंड जिसकी वजह से देखो जब प्रोटॉन्स यहाँ से यहाँ पे पास करेंगे तो फिर क्या होगा, ये एंजाइम जो है CF1 पार्ट ऑफ द एंजाइम विल सिक्रीट द ATP फ्रॉम ADP। सो दिस वॉज ऑल अबाउट अवर केमियोस्मोटिक हाइपोथीसिस। केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस हमें दोबारा से क्या बता रहा है, लेट अस रीड। एनर्जी इज यूज्ड टू पंप प्रोटॉन्स अक्रॉस अ मेम्ब्रेन टू क्रिएट अ ग्रेडियंट और अ हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोटॉन्स विद इन द थैलाकोइड ल्यूमेन। तो एनर्जी कहाँ पे यूज हो रही है, एनर्जी प्रोटॉन्स को पंप करने में यूज हो रही है इन साइड द थैलाकोइड ल्यूमेन। ATP synthetase has a channel for the diffusion of protons back across the membrane. This releases energy to activate ATP synthetase that catalyzes the formation of ATP. So energy कहाँ पे use हो रही है? First of all, तो protons को pump करने में use हो रही है and gradient को maintain करने के लिए और create करने के लिए use हो रही है। उसके पास उसके बाद जो ATP synthetase enzyme है, वो क्या कर रहा है? वो protons को दोबारा से membrane के अंदर भेज रहा है and that is again releasing the energy to create the ATP in the form of energy. This is very easy concept, chemiosmotic hypothesis. Basically इसमें osmosis की बात की गई है और यहाँ पे osmosis किसकी, protons की osmosis की बात की गई है, that how the protons does the process of osmosis करके protons कैसे हमारी ATP को synthesize कर रहे हैं। Now we are going to read about the dark reaction. Dark reaction को हम biosynthetic phase कर रहे थे, biosynthetic phase कहेंगे, because the photochemical phase was the light reaction, जहाँ पे photo मतलब light, chemical मतलब reaction हो रहा है, and biosynthetic phase is the dark reaction. Basically जो हमारी glucose formation है students, that is formed in the dark reaction only. So, हम क्या बोल सकते हैं कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है या जो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल है हमारा वो यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, दैट्स व्हाई दिस इज द डार्क रिएक्शन। नाउ लेट अस रीड अबाउट दिस, दैट व्हाट इज रिटन अप हियर। देखो प्रोडक्ट्स ऑफ लाइट रिएक्शन आर एटीपी, एनएडीपीएच एंड O2। डार्क रिएक्शन इज द यूज ऑफ एटीपी एंड एनएडीपीएच टू ड्राइव द प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ फूड। देखो लाइट रिएक्शन के अंदर स्टूडेंट्स हमने क्या किया, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर किया, ऑक्सीजन को रिलीज किया एंड एटीपी एंड एनएडीपीएच की फॉर्मेशन की। अब यही एटीपी एंड एनएडीपीएच को यूज करके हम क्या बना रहे हैं, ग्लूकोज
या शुगर या वी कैन सी अवर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर रहे हैं. दिस इज अ फेज दैट डज नॉट डायरेक्टली डिपेंड ऑन द लाइट बट इज डिपेंडेंट ऑन द प्रोडक्ट्स ऑफ द लाइट रिएक्शन. सो डार्क रिएक्शन को लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन बोलना, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन बोलना, या कुछ भी ऐसा बोलना जो लाइट से रिलेटेड है, दैट इज फॉल्स. आपको ये क्वेश्चन भी आएगा डार्क रिएक्शन के ऊपर, दैट डार्क रिएक्शन इज अ लाइट इंडिपेंडेंट फेज. नो, ऐसा कुछ भी नहीं है. डार्क रिएक्शन इज डार्क रिएक्शन, दैट इज नॉट, वी कैन नॉट टॉक अबाउट द लाइट इन द केस ऑफ डार्क रिएक्शन. लाइट का कोई भी, या आई कैन से कि कोई भी पार्ट हो ही नहीं सकता, यहाँ पे रोल नहीं है लाइट. So, what is this phase? This phase does not occur in light, but it is not light independent because it is dependent on the reactants of the products of the light reaction. Students, अगर light reaction नहीं होगा तो dark reaction भी नहीं होगा. तो हम ये बात कैसे बोल सकते हैं कि dark reaction is independent of light? अगर लाइट रिएक्शन नहीं होगा तो हमारी ऑक्सीजन लाइब्रेट नहीं होगी, हम एटीपी और एनएडीपीएच नहीं फॉर्म कर पाएंगे. तो हम कैसे बोल सकते हैं कि जो लाइट रिएक्शन है दैट इज इन, जो डार्क रिएक्शन है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ लाइट. तो स्टूडेंट्स यही बात यहाँ पे की गई है दैट इट कैन बी वेरिफाइड एज फॉलोज. इमीडिएटली आफ्टर लाइट बिकम्स अनअवेलेबल द बायोसिंथेटिक प्रोसेस कंटिन्यूज फॉर सम टाइम एंड देन स्टॉप्स. जब मॉर्निंग में धूप निकली, थोड़ी देर तक डार्क रिएक्शन नहीं हुआ, लेकिन बाद में डार्क रिएक्शन फिर से शुरू हो गया, और शाम में जब सूरज ढल गया, लाइट चली गई, तो डार्क रिएक्शन भी बंद हो गया. दिस इज द प्रूफ दैट डार्क रिएक्शन इज नॉट लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन, दैट इज डिपेंडेंट ऑन द प्रोडक्ट्स ऑफ द लाइट रिएक्शन. सो डार्क रिएक्शन के अंदर हो क्या रहा है? CO2 कंबाइन्स विद H2O टू फॉर्म CH2O और शुगर. इसके अंदर जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है दैट इज कंबाइनिंग विद वाटर to form sugars. Carbon dioxide assimilation during photosynthesis is of two types. Carbon dioxide दो types से use होती है, दो pathways के through use हो रही है, the C3 and the C4 pathway. This is the last part of the photosynthesis, C3 pathway and the C4 pathway. So what is C3 and C4 pathway? That is the process of assimilation of carbon dioxide ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस. C3 पाथवे को C3 पाथवे क्यों कहा जाता है? बिकॉज इसके अंदर जो फर्स्ट प्रोडक्ट है, फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट है, दैट इज द C3 मॉलिक्यूल, 3 कार्बन मॉलिक्यूल, जिसकी वजह से इसको C3 पाथवे बोला जाता है. इन दिस फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ CO2 फिक्सेशन इज अ C3 ऑर्गेनिक एसिड, दैट इज 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, और इन द शॉर्ट फॉर्म वी कैन कॉल इट PGA. Melvin Calvin discovered this using 14 carbon in algal photosynthesis. तो ये हमें कैसे पता चलता है? C3 and C4 cycle के अंदर basic difference है कि उसमें C4 cycle में first जो stable product है that is a 4 carbon product, and C3 के अंदर जो first stable product है that is 3 carbon product. So let us follow the Calvin cycle as it was discovered by Melvin Calvin. This is also known as the Calvin cycle. So C3 pathway, it occurs in all the photosynthetic plants. C4 pathway है जो कई plants के अंदर होता है, कई plants के अंदर नहीं होता, लेकिन C3 pathway जो है वो सभी के अंदर होता है, सभी plants के अंदर होता है जिनके पास green leaves है. स्टूडेंट इसके पास 3 स्टेजेस है, कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन एंड रीजनरेशन. कार्बोक्सिलेशन का मतलब एडिशन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड, देन द रिडक्शन, देन द रीजनरेशन. हम किसी भी साइकिल की बात करते हैं
तो साइकिल का मतलब होता है जो चीज जहां से शुरू हो रही है वो चीज वहीं पे खत्म होगी, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। कार्बोक्सिलेशन का पहले पढ़ते हैं, व्हाट इज कार्बोक्सिलेशन। सो स्टूडेंट्स, इन द केस ऑफ कार्बोक्सिलेशन ऑफ RuBP, दैट इज राइबुलोज बाई फॉस्फेट, राइबुलोज 5-फॉस्फेट एक 5-कार्बन कीटोज शुगर है। Ribulose 5-phosphate is a sugar and it is the primary CO2 acceptor in the C3 pathway or the Calvin cycle. Calvin cycle ke andar C3 is accepting the carbon, 5 se wo 6 carbon ban jayegi, 6 carbon se wo split ho jayegi 3-3 carbon ke products mein. Dekho yahan pe diagram ke andar, this is RuBP. RuBP is accepting carbon dioxide and converting itself into 2-3 carbon substances. It is the most crucial step. CO2 is fixed by RuBP in 2-3 PGA in presence of enzyme RuBP carboxylase. RuBP carboxylase is the most abundant enzyme on earth in this world. RuBP carboxylase ka dusra naam hai RuBP carboxylase oxygenase. तो इसको हम रूबिस्को भी बोलते हैं एंड इट हैज बोथ द प्रॉपर्टीज, दैट इज ऑक्सीजनेशन एंड कार्बोक्सिलेशन। सो दिस इज द मोस्ट अबंडेंट एंजाइम इन दिस वर्ल्ड एंड यू हैव टू रिमेंबर दैट। रूबिस्को का काम क्या होता है, रूबिस्को का फंक्शन क्या होता है, RuBP को कार्बोक्सिलेशन करवाने में हेल्प कराना। Next is reduction. Reduction is a series of reaction leading to the glucose formation. अब बहुत सारे reactions होने वाले हैं जिससे ultimately हमारे पास last में क्या होगा, glucose की formation होगी। यहाँ पे हम दो ATP के molecules and दो NADPH के molecules को use करेंगे per CO2 molecule। एक carbon dioxide के molecule के पीछे दो ATP, दो NADP जो है वो use हो रहे हैं। Fixation of 6 molecules needed, 6 turns of the cycle are needed to remove 1 glucose molecule from the pathway. So students, dekho, to synthesize 1 glucose molecule, we require 12 ATP, 12 NADPH and 6 carbon dioxide molecules, that is the cycle is processed 6 times to produce a glucose molecule. That is what is happening in the reduction. And reduction के अंदर ultimately हमारे पास क्या आ जाता है, glucose आ जाता है। And glucose जब हमारे पास अब form हो गई, ठीक है, तो हमारे पास क्या रह गया, triose phosphate। तो triose phosphate को हमने किस में convert करना है students, RuBP में, ribulose biphosphate के अंदर, which is a 5-carbon product। तो देखो यहाँ पे हम regeneration के अंदर क्या कर रहे हैं, it is crucial for continuation of the cycle. It requires 1 ATP for phosphorylation to form RuBP. 1 ATP यहाँ पे use हो रही है RuBP बनाने के लिए, इसलिए हमारे पास total 3 ATP molecules use हो रहे हैं एक carbon dioxide को assimilate करने के लिए, एक carbon dioxide को use करने के लिए. It is probably to meet this difference in number of ATP and NADPH used in dark reaction that the cyclic phosphorylation takes place. इसी वजह से students, light reaction के अंदर cyclic phosphorylation हो रही है और non-cyclic phosphorylation हो रही है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ATP हम बना सके, क्योंकि glucose की formation के लिए काफी ज़्यादा ATP जो है वो use हो जाते हैं. So ultimately जो हमने पढ़ा था अब वो कैसे हो जाएगा, 1 glucose is equals to 6 into 3
18 ATP and 12 NADPH. ठीक है, इतने मॉलिक्यूल्स हमारे यूज हो रहे हैं एक ग्लूकोज को बनाने के लिए, क्योंकि 2 एटीपी और 2 एनएडीपी तो फिक्सेशन में यूज हो जाते हैं, कार्बोक्सिलेशन में. देन 1 एटीपी कहां पे यूज हो जाता है? रीजनरेशन के अंदर. तो C3 पाथवे को हम दोबारा से देख लेते हैं, दोबारा से डायग्रामेटिकली समझ लेते हैं. देखो अंदर क्या जा रहा है, 6CO2. अंदर क्या जा रहा है? 18 ATP. अंदर क्या जा रहा है? 12 NADPH. बाहर क्या आ रहा है? एक ग्लूकोस, 18 ADP, 12 NADP. RUBP प्लांट्स के अंदर पहले से प्रेजेंट है, उसके अंदर कार्बोक्सिलेशन हो गई, 3PG बन गया. 3PGA से हमारे पास ट्रायोज फॉस्फेट, दैट इज द शुगर एंड द स्टार्च. उसके बाद वी आर कन्वर्टिंग दिस टू अगेन RUBP, एंड दिस इज ऑल अबाउट द कैल्विन साइकिल. यस स्टूडेंट्स, सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक. आई होप यू गॉट इट. आई होप आपको समझ आ गया होगा. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, द C3 पाथवे. In the next class, we are going to start with the hatch and slack pathway, that is the Calvin, that is the C4 cycle. C3 pathway, अब आपको समझ आ गया होगा कि रूबिस्को ribulose biphosphate 5 carbon compound है. 5 carbon compound एक carbon dioxide को use करके 6 carbon compound बन जाता है, and क्या बना लेता है? 3-3 carbon के दो molecules बना लेता है. And इसमें से हमारा कौन सा enzyme use हो रहा है? That is the ribulose bisphosphate कार्बोक्सिलेज एंड ऑक्सीजनेशन. ठीक है, जिसको हम रूबिस्को बोलते हैं, एंड रूबिस्को इज द मोस्ट डिपेंडेंट एंजाइम इन दिस वर्ल्ड. एक साइकिल कंप्लीट करने के, साइकिल हम इसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि जिस पॉइंट पे हमारा रिएक्शन, हमारा साइकिल शुरू हो रहा है, उसी पॉइंट पे आके हमारा रिएक्शन, हमारा साइकिल जो है वो खत्म हो रहा है. सो स्टूडेंट्स, इसके 3 पार्ट्स हैं, द कार्बोक्सिलेशन, द रिडक्शन एंड द रीजनरेशन. C3 pathway जो है, that is occurring in all the plants on the earth, either that is a C4 plant or that is a C3 plant. लेकिन C4 plant एक different से anatomy वाले leaf anatomy वाले plants के अंदर ही होगा, जिसको हम Crans anatomy बोलते हैं. So C3 pathway के अंदर हम देख चुके हैं that the 6 carbon dioxide are going in. हमारे पास एक glucose निकल रहा है, because glucose is a 6 carbon molecule. Or the 6 carbon compound. Then 18 ATPs are used. Out of 18, 12 ATPs are used to reduce the product to form the sugar. And just 6 ATPs, and that is used for the regeneration of the end product to the rubisco biphosphate. Yes. The 12 NADPH are going inside, and as 12 NADP हमारे पास बाहर निकल रहे हैं. जो 12 NADPH है वो कहाँ पे use हो रहे हैं students? They are being used up again in the process of reduction. C3 क्यों बोलते हैं? Because इसमें जो first stable compound है, that is PGA. PGA बनता कैसे है? एक ribulose bisphosphate जब एक carbon dioxide accept कर लेता है, 6 कार्बन कंपाउंड से 3 कार्बन कंपाउंड, 2-3 कार्बन कंपाउंड की फॉर्मेशन हो जाती है.